हाँ बस भी करो, कितनी देर से दबा रही हूँ, हाथ थक गए मेरे। फटे मुंह तेरा। आए ओ क्या हो गया? लो दस। और मैं कहता हूँ थोड़ी हिम्मत करो, उठो। थोड़ी दुनियादारी के लिए सही, और नहीं बहू के लिए कुछ ना कुछ तो खरीद लो, और लगे हाथ तुम दोनों भी शॉपिंग कर लेना। आ हाँ शॉपिंग तो हमने भी करनी है। हाथ पड़े आए आए, क्या तो सही रहे हैं वैसे। हाँ कपड़े तो हमें भी लेने हैं, बल्कि देखो ना अब बेटे की शादी है, आखिर में मुंडे दी माँ आएगी ना, तो महंगे महंगे जोड़े तो बनते हैं ना मेरे भाई, चाहे पसंद हो या ना पसंद हो। नहीं नहीं मुझे तो मुंडे की माँ बहुत पसंद है। हाय मैं अदन की बात कर रही हूँ। अच्छा तो जोड़े तो बनाने ही है ना हमने, है ना भाई। हाँ और मैं भी इकलौती बहन हूँ, मेरी तैयारी भी देखने वाली होनी चाहिए। हाँ मेरी शहजादी बेटी जो कहेगी वो लेकर दूंगा, जा। चल मेरी शहजादी बेटी, जरा जल्दी से मेरा जोड़ा इसी कारण बाजी के साथ बाजार जाना। क्या है, मेरी शक्ल देखती है आपको कामयाब आ जाते हैं। मैं नहीं जा रही, नोमी से कहे। ना मेरा बेटा, बस कुछ दिनों की बात है, बस कुछ दिन सबर कर लो, उसके बाद इस घर की बहू आ जाएगी, तुम्हारी हर काम से छुट्टी। आ छुट्टी? शफक बीबी का हाल देखे अम्मी, अभी से जब से रिश्ता तय हुआ आती है किसी काम को हाथ नहीं लगाती, मेहमानों की तरह बैठ जाती है। हाँ वैसे ये तो मैंने भी नोट किया है, आती है एवं लाते लात रख बह जाती है, इंज करके इधर उधर देखती रहती है, कुछ भी नहीं करन जोगी। लेकिन दुरे अदन जो है ना वो ऐसा नहीं करेगी। दुरे अदन तुम्हारा हर हुक्म मानेगी, जो कहोगी जैसा कहोगी वैसा करेगी। वो कोई तबरेज की जिद या मोहब्बत थोड़ी है, बहुत सोच समझ के मैंने ये रिश्ता तय किया है। सही कह रहे हैं तेरे अब्बा जी ने, बहुत दूर की सोची। हाँ मुझे पता है, चल चल मेरी शहजादी अब जाके ना मेरा जोड़ा। और माँ का ही तो जोड़ा करना है, पूरे टब्बर का यकदम नहीं कर देना, क्या हो गया बेटा? शाबाश चल जा, मौत ही पड़ जाती है इसको तो। अब ठंडी स्त्री ना कर दई। अच्छा वो फोन आया था आपा जा आ रहा का, लो भी बड़ी वाह वाह हो गई हमारी अदन के रिश्ता करने से बरादरी में, क्या बात है। पूछ रही थी शादी कब करनी है। जो भी पूछे ना बस कह दो कि हम अपनी बहू को बहुत जल्द ब्याह के लेके आ रहे हैं। ले अभी तो तुम्हारी इसकी नौकरी भी नहीं हुई तो इससे क्या फर्क पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है बा अयूब और राहत जो है इस बात पे एतराज करेंगे? नहीं ना, तो बस भी ठीक है, हम अपने पुत्र की शादी बहुत सादगी से करेंगे। ले कोई नहीं, सादगी सूदगी से नहीं मैंने करनी, मेरे बेटे की शादी है, मेरे बड़े अरमान है। ओए अरमानों की तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे सारे अरमान निकाल देंगे हम। हैं? नहीं नहीं मेरा मतलब है अरमान पूरे कर देंगे हम। हाँ बस ऐवे नहीं मैंने करनी, मैं तो खूब डूब दू। आए मेरा लक गया था, कुछ कर लो। ना, ना 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 इस लक का कुछ नहीं हो सकता, साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है पर आज तक लक नहीं बना सके। अगर साइंस नवे लक बनवा रहा होता ना तो पहला ऑर्डर मैंने तुम्हारे लक के लिए करना था। ये देखिए चार चूड़ियां हैं, चेन है, मुंदरी है। क्या हो गया मिया जी, और कितना सारा खर्चा करेंगे? चूड़ियां बना ली, चेन बना ली, अंगूठी। जेज ही देना था तो फिर अपनों में रिश्ता करने का क्या फायदा? मेरी बात सुनो, साफ साफ कह दो भाई यकूब को कि जेज के नाम पे ना हम कुछ नहीं दे रहे। ना मुंह फाड़ के जेज तो ऐसे कह रही जैसे कुछ सोने की कान दे दी है, चार चूड़ियां एक चेन ही है ना, थोड़े से जोड़े हैं बस, बरादरी में रहना है कि नहीं? तो तुम ठीक ही कह रहे हो, वैसे बरादरी में तो रहना है। तो कल को हमने अपनी बेटी सीमा का भी तो ब्याह करना है ना। समझ आती है तुझे लेकिन देर लगती है थोड़ी। तबरेज तो शहर में होता है, उसके तो बड़े बड़े लोगों से तलकात होंगे, तो वो तो हमारी सीमों के लिए रिश्ता भी अच्छा करा सकता है। फिर मेरे तनवीर की रिहाई के लिए भी हमारी मदद कर सकता है। अदन अदन दुरे अदन, चीत आई मेरी दिया, आओ परा। मैं तो खाना बनाने लगी थी। तू रहने दे, मैं खुद बना लूंगी, और मैंने ना वो साथ वाली पीनों को बुला लिया है,
कल से खाना वही बनाएगी मेरी ती, तू आराम करना। तो चल आ जा, तेरे ताया जी इतने सोने कपड़े चीजा लेके आए ने, जल्दी आ जा। आ रही है। प्यार से बात करने में तो कोई खर्चा नहीं आता ना, थोड़े दिनों की मेहमान है बस। बड़े सियाने हो तुसी। आ मेरी थी, आ जा आज मां सदके, आ जा हां बैठ जा। देख तो सही तेरे ताया जी की लेके आए ने तेरे वास्ते, ये देख, ये देखो चूड़ियां देख तेरी हैं, ये चेन भी है, है? और ये दो ना अंगूठी जरा चुक के। नहीं नहीं कुछ नहीं, बस दिखाओ तुसी बेटा। तुम कितनी प्यारी है तबरेज के लिए, ये जोड़ा दे। ये सारी कीमती चीजें मेरे लिए। ये सबसे कीमती तो तू है, है? चीजों का क्या है जी, आपने ऐसे इतना खर्चा कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों पे बोझ नहीं डालना चाहती। नहीं थी ये, तू तो रहमत है इस घर की। थी है तू हमारी, तू बोझ नहीं है हम पे, बेटियां बोझ नहीं होती। हाँ सुन के खानदान में बात तय हो चुकी है। नहीं और उसकी जरूरत ही क्या है, देख जैसा तू सोच रहा है ना वैसा कुछ भी नहीं है और हो भी नहीं सकता। तुझे पता जब मैं उसके घर गया था ना उसने अपने बाप से मुझे क्या कहकर इंट्रोड्यूस कराया था? क्या? डैड इससे मिले, ये तबरेज है, छोटे से इलाके से इसका ताल्लुक है, बेचारा बहुत ही गरीब खानदान से आया है, लेकिन देखें फिर भी हमारी इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, सोच। और उसका बाप वो मुझसे ऐसे मिल रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं करता इंसान किसी पे, और हिकारत से उसे देखता है वैसे सिर्फ जॉब की वजह से। अगर इस जॉब की जरूरत ना होती ना मुझे, आपका रास्ता बदल चुका होता, मैं देखता नहीं इसकी तरफ। ये इतनी लंबी उम्र है उसकी, उसी की कॉल आ गई, मेरा ही वेट कर रही है। हाँ सुबुल बस मैं निकल गया हूँ यार, बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में। या मैंने ये बताने के लिए कॉल किया तुम्हें कि आज का प्लान कैंसिल हो गया। व्हाट सुबुल ये क्या कर रही हो यार, आई वाज ऑलमोस्ट रेडी। मैं मुदस्सर के साथ चले जाऊं, मैं मोमिन और आफे के साथ मूवी पे जा रही हूं। ओके बाय। क्या हुआ? साइको है यार ये, पागल लड़की है। इसकी वजह से मैं तैयार हुआ, मैंने कपड़े प्रेस किए, मैंने लंच तक नहीं किया यार, और अब बोल रही है कि मेरा मूड नहीं है, प्लान कैंसिल। ऐसे होता है क्या कभी? गुस्सा ना कर यार, इजी हो यार, क्या कुछ मत बोल यार अभी मुदस्सर, मुझे मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया इसकी वजह से। गल लड़की, इसकी शक्ल देखी तूने? अपनी पर्सनल स्किल्स पे ना ये किसी ऑफिस में एक रिसेप्शनिस्ट तक भर्ती नहीं हो सकती। बाप का पैसा मिला हुआ ना उस पर अतराती है, नखरे दिखाती है फजूल के, और जैसे हम इसके गुलाम हैं। कूल डाउन यार, कूल डाउन। देख तू बस अपना काम निकलवा, इसकी बातों को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, इजी रह। चला तुझे ठंडा पिलाऊं मैं, चल ठंडा पानी पी सकते हैं हम लोग। मुझे बताऊं दुर्योधन जी, जी ताबू कोई काम था तो मुझे बुला लेते। ले दास, मैं अब अपनी बेटी के पास सिर्फ काम के लिए आऊंगा, कर क्या रही है तू? वो
गुलू की कमीज पे बटन लगा रही थी। बस कर दे यार, वो कद काम ही करती रहती। थोड़े दिनों की मेहमान है, अब तू इस घर में आराम कर। ये तेरे अम्मी अब्बू के गुजर जाने के बाद ना, मैंने तुझे अपनी औलाद की तरह पाल के रखा है बेटी, कलेजे से लगा के रखा है। तुझे पता है याकूब से तबरेज के रिश्ते का पैगाम भी मैंने भेजा है। मैं चाहता हूं तू खुश रहे, लेकिन अब इस खुशी में अपने दाया अब्बू को नहीं भूल जाना। दुर्योधन बेटी, मैंने अपनी तरफ से तेरी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। रब सोना माफ करने वाला, फिर भी अगर कोई गलती कोई कमी रह गई हो तो तू भी माफ कर। दाया अब्बू, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप तो बहुत अच्छे हैं, इस बात में कोई शक नहीं कि मेरी तबीयत में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं आपकी बहुत एहसान मंद हूं। बस करते बस करते तबरेज, प्यारा बड़ा बड़ा लिखा बच्चा है, मेरी रानी का बड़ा ख्याल रखेगा है। बात रहे मेरी बरकतों वाली बेटी है, बात रहे। कर तो रही हूँ अम्मा, कर तो रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैं सबके जाओ, क्या हाल है मेरी बेटा? बैठ 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 बैठ, कैसी है? बढ़िया, सफाइयाँ हो रही हैं तो और क्या। इतने दिन हो गए थे, बहुत अंधेरी आई थी ना, सारी मिट्टी पड़ी। हाय हाय, शफक को ही ले आती, इतने दिनों से चक्कर ही लगाया उसने। हाँ वो तो आना चाह रही थी, पर मैंने ही मना कर दिया। मैंने कहा तेरी होने वाली ससुराल है, रोज रोज आना जाना अच्छा नहीं लगता। बड़ी बात है खाला, बात तो तब बनती है ना जब इरफान भाई से भी पर्दा करा लें आप। हमसे पर्दा तो बनता भी नहीं है। वैसे भी ससुराल की तो बाद में बात है ना, पहले तुम उसकी खाला हूँ, खाला का घर है। हाँ ये दोनों माँ बेटियाँ तो यही चाहती है कि मेरी शफक यहाँ पे आए, इनकी नुकरानी बने, इनके सारे काम करे। हाय अल्लाह, क्या बताऊँ तुझे मान से, हम दोनों माँ बेटियाँ तो फावी हो गई हैं, बाजारों में फिर फिर पागल हो गए हैं, पैरों में छाले हो गए हैं, लत्तां टूट गई हैं, मूलियाँ गाजरा बन गई हैं, तबरेज की शादी की शॉपिंग कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। वैसे मेरी नजर में ना जोही के लिए बहुत अच्छा रिश्ता है। मैं तो कहती हूँ बेटे के साथ साथ बेटी के फर्ज से भी फारिग हो जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं सबके जाओ। अच्छा कौन लोग हैं, कैसा लड़का? उसके बाप की तो ना बड़ी नेक नामी है मल्ले में, सब बड़े अच्छे तरीके से उसको जानते हैं, माँ का भी यही हाल है। हाँ लेकिन लड़का खुद कैसा है, मतलब कितना पढ़ा है, क्या करता है? कि मोहल्ले में दुकान है, बहुत चलती है, बड़े खाते पीते लोग हैं। बाप दा नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ लड़का खुद क्या करता है, दिखने में कैसा है, क्या कारोबार है, पढ़ाई क्या है? वही बाप के साथ दुकान पे बैठता है ना। हो गई वैसे इस कुत्सिया, मेरी बेटी के लिए ये टटपूंजी रिश्ते रह गए हैं, है तुझे और कुछ ना सुझा? देख नाराज होके चली गई, रुस गई है, ऐसे दिल टूट गया उसका। एक बार ही मिल तो लो। क्यों भाई क्यों मिलूं मैं, शहजादी है मेरी बेटी, ऐसे नाज नखरों से मैंने पाली हुई है, ऐसे दे दूं चवलों को? मैंने जैसे पाला है ना उसको, मैं वैसे ही चाहती हूँ वैसे ही लोग उसके नखरे उठाए। हद हो गई है, दुकान पे बैठता है, ठंडी बोतल लेके आती हूँ तेरे पानी। Thank you.
जूही तुझे माँ बुला रही है। जाके कह दो अम्मी से नहीं आ रही मैं। ओए हुआ क्या है, मुझे भी तो पता चले ये मूड इतना खराब क्यों है। तू चाहते ही ग्लास मारूं। ओए ये ग्लास मारने की तड़ियां किसको दे रही हैं? तो ठीक ना, तुझे क्या हुआ है, तू क्यों पून पटाका बनी हुई है, इतना गुस्सा किस बात का चढ़ा हुआ तुझे है? चली गई आपकी बहन या बैठी अभी भी? हाँ चली गई, वो तो कब की, क्यों भाई? भी बेटी घर में आई नहीं कि मुझे निकालने के जतन शुरू कर दिए। ऊपर से रिश्ता देखा था अम्मा, सिर्फ आपकी वजह से लिहाज किए, वरना मैं पागल हो गई। उसके लाए रिश्ते पे भला मैंने मानना था? मैंने तो उसको साफ साफ बता दिया भाई हमारी बेटी हमने शहजादी उस तरह पाली है और किसी शहजादे से ही उसकी शादी करेंगे। आ ले नदोसी भाई को, बताती हूँ कि उनके सास क्या प्लानिंग करती फिर रही है मेरे खिलाफ। कसम से मेरा दिल जल रहा है। कादे वास्ते दिल तेरा जल रहा है पागल जी? है पागल, चल नीचे आ, तेरी पसंद की रबड़ी पड़ी हुई आके खा ले। चल ना, इधर ही टंगी रहेगी तू, हद हो गई है। आजा मेरा पुत्र, आजा मां सदके। वो तो ब्रेज कैसे यार? क्या बताऊं यार, ऐसा ही हूँ बस, ला पिला, बस इतनी गर्मी है। कैसा रहा इंटरव्यू? कैसा रहेगा, वैसा ही रहा जैसा रहता है। हर कंपनी को एक्सपीरियंस बनता चाहिए। अब तो खुद बता, हम जैसा फ्रेश ग्रेजुएट अगर नौकरी नहीं करेगा तो एक्सपीरियंस कहाँ से लाएगा? तो सही कह रहे यार, ये जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, ये हम जैसे लोगों की फीलिंग्स तक खेलते हैं, मजाक उड़ाते हैं यार हमारा। अजीब ही दिल हो गया यार। सुनील की कॉल, उठा उठा, बात कर बात कर। पकड़ पकड़ पकड़, पीना नहीं। हेलो जी, बोले क्यों कॉल किया आपने? आप जनाब, सब ठीक तो है तबरेज? तुम्हारी तबीयत ठीक है, आर यू ओके? वेल एनी हाउ, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया क्योंकि मुझे तुम्हारी सीवी चाहिए। सीवी? क्यों? किस लिए? कम ऑन तबरेज, व्हाई आर यू आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस? वेल, डैड पाकिस्तान आ चुके हैं और तुम्हें जॉब ऑफर करेंगे तो उसके लिए तुम्हारी सीवी तो चाहिए होगी ना। व्हाट, आर यू सीरियस? अच्छा तो मुझे बता दो कि क्या मतलब। अच्छा मुझसे मिलो। ओके, तुम्हारे घर आ जाऊं? नहीं, कहीं बाहर मिलो। बाहर? ओके ओके ओके, डन डन। शार्प सिक्स। देर मत लगाना, यू नो मुझे देर से आने वाले लोग पसंद नहीं। मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगी। ओके बाय। मुझे लगा ये जॉब वाली बात पे मजाक कर रही है, ये तो वाकई सीरियस है यार। सीवी मांगी है, अपने डैड की कंपनी में जॉब दिलवा रही है। वाह यार, तेरा तो मसला हल हो गया। अच्छा ये बता कि मैं पहन के क्या जाऊं? वो तेरी जो रेड वाली जैकेट थी वो धुली हुई साफ है? साफ है। मैं पहन जाऊं? हां पहन, जा जा। उसके साथ शूज के मन से वाइट वाले पहनी, वाइट वाले, व्हाइट वाले हां बेस्ट है। नहीं नहीं यार, रेड वाला जैकेट लगेगा, बहुत ही शोदा। तू ब्लैक पहन ली यार। चल मैं देखता हूं, देखता हूं यार। ओके ये ले पीजे। हां यार दे, मुझे दे। जा, ऑल द बेस्ट। अगले महीने की 5 तारीख? हाँ तो ठीक है, तूने फैसला किया तो ठीक ही किया होगा। भला मुझे क्या एतराज हो सकता है ये को? मैं तेरी भाभी को भी बताता हूँ अभी। लो जी भाई ना, मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। तुझे 100-100 मुबारक है को। अच्छा ये बता कि तबरेज बेटे का क्या हाल है, नौकरी लग गई उसकी कि नहीं? खैर सब तो बीवी आने वाली है घर में, तो नौकरी तो होनी चाहिए ना भाई ना।
दरअसल मेरे बेटे को मुलाजमतों की कोई थोड़ नहीं है। माशाल्लाह। हर रोज मुलाजमतों के बुलावे आते हैं, पर मेरा पुत्र है शहजादा, शहजादा पुत्र है, वो कहता मुलाजमत करूंगा तो अपनी मर्जी की। हाँ शहजादा तो है, चलो वह फिर शहजादे के ब्याह की तैयारियां करो, ठीक है। हाँ रब रखा। शर्म नहीं आती, मुलाजमत मिली है कि नहीं मिली? ओए एहसान मनो मेरा, यतीम भतीजी की शादी कर रहा हूँ अपने लायक फायक पुत्र के साथ, और क्या चाहिए? नौकरी मिली कि नहीं मिली? तवाद दूर है ही ना शुक्रे। मुझे तो लगता है पैन की माती मारी गई है, अकल जो थी ना वो सारी सिर में थी, बाल उड़े ना, अकल भी चली गई। सही कह रही हो सोने हो, अब सारी बातें छोड़ो, अब तो तारीख भी तय हो गई है, तैयारियां फड़ो। हाँ बस मेरे दो गलारे रह गए तो एक बेंडी का सूट। आए सदके जाऊं मैं आपके, मानता हूँ कि मुंडे की माँ शादी में बहुत इम्पोर्टेंट होती है, पर मुंडे की बुड्ढी भी होती है, तो उसकी भी तैयारी कर लो थोड़ी सी। आए, उसकी क्या तैयारी करनी है, इतनी सी गिटक सी तो है, बना लेंगे दो चार गज में सूट उसका भी, कोई ना कोई। क्या पिए आप छोड़े फिर? लवी 5 तारीख हो गई थे मेरे तनवीर के बगैर इस घर में खुशी। दुर्रे अदन यतीम बच्ची है, हमने बेटियों की तरह पाला उसे, अब खैर से उसकी खुशी का वक्त आया तो अच्छी तरह मनाएंगे ना, उसके सदके में अल्लाह हमारे बेटे के लिए भी आसानी करेगा। है दिल से तेरी मेहरबानी। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी मॉम की डेथ हो गई, उसके बाद डैड ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला है, बहुत अकेले रही हूं मैं, वैसे तो बहुत सोशल हूं मैं, लोग हैं मेरे आसपास, लेकिन ये जिंदगी बहुत खाली है, अकेलापन है। सॉरी संबुल, बट मुझे नहीं पता था कि तुम मदर के लिए इतनी इमोशनल हो जाओगी। Here you go, डैड की कॉल। डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। साहिर है, तुम्हारे एक कहने पे मुझे जॉब दे रहे हैं, वाकई प्यार तो बहुत करते हैं तुमसे, लकी हो तुम। Yes. He loves me a lot. Well, I gotta go. Okay? And by the way, all the best. Thank you. Bye. Bye. Thank you. You're welcome. Bye, Sumbul. Bye. Bye. लोग बड़ी बड़ी बातें। चल भाई तबरेज, कैंटीन में चल के बिरयानी खा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अब्बा मैं बस आपको ही कॉल करने वाला था। वालेकुम अस्सलाम। लो बताओ, तुम हमें कॉल करने वाले थे? हमने तुम्हें कॉल कर ली। इसे कहते हैं दिल को दिल से राह होती है। जी बिल्कुल। ले सुनो पुत्र, मैंने तुझे एक खुशखबरी सुनाने के लिए फोन किया है, और जनाब का ब्याह तय कर दिया गया है, अगले महीने की 5 तारीख को आपका ब्याह है। लुटिया पाओ और छेती छेती आ जाओ, बहुत सख्त काम है यहाँ पे। क्या वाकई? इसका मतलब ये कि अब्बा दुर्योधन मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई है, मुझे जॉब मिल गई। अब्बा जॉब भी ऐसी मिली अब्बा जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। घर गाड़ी सब कुछ मिलेगा अब्बा, बहुत जल्दी हमारे दिन बदलने वाले हैं। ओ वाकई? सही कह रहा तू। आ मेरा बबर शेर पुत्र, आ पक गई। या अल्लाह तेरा शुक्र। ओ पुत्र, ओ तेरे पियू ने इस दिन के लिए बड़ी सख्त मेहनत की है, रुखी सुखी खा के तेरी फीसें अदा की है, तेरी माँ ने बड़ी दुआएं की थी। जानता हूँ अब्बा, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा।
अच्छा बात सुन, अब ना ध्यान से मेरा पुत्र अपने काम पे तवज्जो दे, फिकर ना कर, यहाँ छेती आने की कोई लोड नहीं है, बस ब्याह से एक आधा दिन पहले आ जाना, यहाँ मैं और रुफी है ना, सब संभाल लेंगे। हाँ ओके खुदा, ले मैं तेरी माँ को ये खुशखबरी सुनाता हूँ। सफिया सफिया, ओ जूही, क्या हो गया? ओ सफिया मुबारक हो, मुबारक लुटिया पाला पाला लुटिया। आप पर हुआ क्या? ओए बब्बर शेर को नौकरी मिल गई, तेरे पुत्र को नौकरी मिल गई। ये ना। और नौकरी भी ऐसी के बंदा ख्वाब भी नहीं सोच सकता, वड़ी कोठी, वड़ी गड्डी, वड़ी तनख्वाह, वड़ी अफसरी, आ बकरी। हाय अल्लाह, मुझसे बात क्यों नहीं कराई, मुझसे तो बात कराते। ओ सफिया मुझे लगता है कि मैंने खुशी से बेहोश हो जाना। ले दस, खुशी से बेहोश कौन होता है? मैं। हाय कितना मजा आएगा अब। मैं आप दोनों को बता रही हूँ, अब मैं भाई के भड़े से घर में जाके रहूंगी, यहाँ नहीं रहने वाली मैं। सफिया और आपने मारी सुन ली, और पेट काट काट के बच्चे को पढ़ाया हमने, मुंह ही देखती रहोगी, ओके मुंह ही मीठा करा दो। जा जा चीनी चीनी ले, चीनी होट कुछ ले। अरे नहीं नहीं ताई जी, दिक्कत क्या होनी थी, बचपन से यहाँ आ रहे हैं, बस रास्ता थोड़ा सा भूल गया था, लेकिन बाकी सब ठीक था। अच्छा, सामान सारा पहुँचा दिया मैंने। अच्छा तो यह दस मैनू के कपड़ों के साथ साथ जेवर भी भेज दिया तेरी माँ ने। जी जी ताई जी, ये छोटे वाले बैग में है ना सब कुछ। अब वो ताई जी, अम्मा ने एक बात करने को कहा था आपसे। हाँ हाँ दस, कौन सी? वो रस्ते रस्ते बड़े लंबे हो गए हैं ना, तो मेहमानों को आने में दिक्कत होगी। अम्मा कह रही थी कि कितना अच्छा हो कि अगर लड़की वाले अपने घर पे मेहंदी कर लें और लड़के वाले अपने घर पे, तो आपका क्या ख्याल है इसमें? जिस तरह तेरी अम्मा दी मर्जी, पे हम लोग तो ती वाले हैं ना, की कह सकने हैं? नहीं नहीं ताई जी, ऐसे तो ना कहें, इस सोच के साथ तो कुछ भी नहीं किया। आप एक काम करें ना, अम्मा का नंबर मिलाता हूँ, उनसे खुद बात कर लें, वो आपको समझा देंगी। अदे मनु फोन जी, दुर्योधन बेल जा रही, ये। अच्छा हेलो जी ताई जी, आवाज ही नहीं आ रही। तेरे ये इरफान आया, कोई चाह पानी, कोई खाना खुना, नाश्ता पराठा कुछ बना के दे। हेलो सफिया, आवाज ही नहीं आ रही ना, मैं सिग्नल ही नहीं है। हेलो आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी खैर मुबारक। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए लस्सी भिजवाती हूँ, और आपके पसंदीदा आलू के पराठे और हरी चटनी भी बना रही हूँ, बस अभी भिजवा। अरे अरे अरे, क्या हो गया आपको? इतने जालिम नहीं है हम कि दुल्हन से काम करवाएं। आप तो माइयों बैठी हैं ना, माइयों बैठी दुल्हन से घर के काम नहीं करवाए जाते, कोई और ले आएगा। नहीं ताई जी, अकेले कैसे इतने काम करेंगी, मैं बस थोड़ी देर में बना कर लाती हूं। अदन जी, अदन जी, क्या हो क्या आपको? मैं रस्ते में खाना खाकर आया हूँ, पेट भरा हुआ है मेरा, अगर आप बहुत इसरार कर रही हैं तो लस्सी पिलवा दे। बस ठीक है, मैं अभी भिजवाती हूँ। अदन जी जी, ताया जी नहीं नजर आ रहे, घर पे नहीं है क्या? वो पता नहीं कहीं बाहर ही गए हैं शादी के इंतजामात के लिए, बस आते ही होंगे। लस्सी? मैं बस अभी भिजवाती। मिट्टी वाज मारती है ना फिर है जी। क्यों सलाम ताया जी, वो शादी का सामान लेकर आया था ना, आपसे मिले बगैर कैसे जा सकता था। ये यहीं इंतजार कर रहा, देख रहा था ना, हैं याद आया कुछ? इधर ही शरारतें करते थे तुम लोग सारे, हैं और इधर उधर भागते थे। हाँ जी बिल्कुल यार, तू तब्रेज तरवीर और वो ज्वेरिया और माए तुम्हारी पीछे से आवाजें देती, ओ सुन रहे ओ इरफान, और जब हमें मारने आती थी तो आप बचाते थे। पता है वक्त बड़ा जालिम है, बंदे को लगता है कि एक जैसा ही रहेगा। अब देख कल की बात है,
इधर ही ये पिंड पहलियों में इधर ही दौड़ते फिरते थे, लगते थे ऐसे ही रहोगे इतने इतने, और आज तू है मेरे से लंबा खाता तेरा, और देख तू सही दुर्रे दिन भी दिनों में बड़ी हो गई, जवान हो गई, पता ही नहीं चला। आज ऐसा हास हुआ जब दो दिन बाद तुम लोग ले जाओगे उसे। माता जी क्या हो गया आपको, एक घर से अपने दूसरे घर ही तो जानी। हाँ अपने ही घर जा रही है, लेकिन इरफान अपना नया घर बनाने जा रही है ना, तो रिश्ते में मैं तो आया हूं, लेकिन आप बन के पाला है मैंने उसे, लेकिन पता नहीं कोई डर है, कोई खौफ है दिल में, समझ नहीं आ रही। नहीं था जी, खौफ सदा क्यों हो रहे हैं आप, खौफ सदा होने वाली बात नहीं, मुझे यकीन है वो वहां हमारे घर में बहुत बहुत खुश रहेंगी। हाँ। देख वो इरफान, अब तो उर्फी कहते तुझे मैं ना, देख बेटा तू और तब्रेज दोनों मेरे पुत्रों जैसे, तनवीर जैसे, लेकिन पुत्र तुझे देखता हूं तो तुझ में अपना अक्स देखता हूं, ऐसे लगता है जैसे अपनी जवानी देख रहा हूं, तू मेरी तरह सोचता है, मुझे मुझे लगता है ऐसे। जी आप यकीन नहीं करेंगे, मैं परसों ही अब्बा जी को ये बात कर रहा था कि मैं तो बिल्कुल अपने ताया जी जैसा हूं, आपको पता है हंसा कर जाते हैं इस बात पे। घर पर ही आदमी है ना, वो नहीं समझेगा। हाँ एक बात कहनी है बेटा जी, हुक्म करें क्या बात है। जो दुर्योधन है ना मेरी थी रानी, बड़ी साफर है, शुक्र करती है, शिकायत नहीं करती किसी से भी नहीं, मखलूक से नहीं करती बात, अल्लाह से करती है, वो सुन भी लेता है उसकी, मेरे घर की बरकत जा रही है तो मेरा, मैं कह रहा था दिल ना टूटे उसका कभी। नीता है जी मैं आपसे कहता रहा हूं कि बस वो देख पुत्र, तू बड़ा है ना, यकूब के बाद तू ही बड़ा है, तू तो डांट पट भी कर सकता है तबरेज के साथ है, तू बस समझ जैसे इधर पिंड में इस घर में दुर्योधन मेरी जिम्मेदारी थी, उस घर में तेरी जिम्मेदारी, दिल ना टूटे उसका। वादा करता हूं आपसे ताया जी, रतन जी की जिम्मेदारी मैं मरते दम तक निभाऊंगा। तुझसे ही कर सकता था बार।
अच्छा ही किया जो अदन ने इनकार कर दिया शादी। बस अब मैंने फैसला कर लिया, शादी अदन से ही करूंगा। मैं तेरा रोमियो 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 बना तू मेरी हीर सोनी है। मैं तेरा रोमियो 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 बना तू मेरी हीर सोनी है। तू रोमियो शोमियो ये भी न जाने राजे की हीर सोनी है। तू रोमियो शोमियो ये भी न जाने राजे की हीर सोनी है। मेरा बच्चा तनवीर बड़ा याद आ रहा है। मासूद के पता नहीं किस हाले च होएगा, की करिए, यतीम बच्ची है, एवी तो फर्ज निभाना है। हाँ अच्छा, तो मेरे पुत्र का कसूर कोई नहीं है। मैं दुनिया वेख नहीं सकती, वो नजर लग गई मेरे घर, मेरे बच्चे नु नजर लग गई। ठीक कह रही हो, दिल ते ना पत्थर रख के बैठी हाँ, दुनियादारी भी तेने पानी है। मेरा तनवीर मासूद के